अलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब बहन भैया से यही एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो माशाल्लाह से बच्चे भी आज स्कूल चले गए हैं। बच्चों की कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो हम दवाई ले आए थे तो खांसी हो गई थी बच्चों को। मौसम चेंज हो रहा है ना तो हर किसी की तबीयत ख़राब है। तो उधर मैं कल गया हूँ आप ही के घर तो सबको बुखार था तो मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है। तो सुबह की काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली हुई है तो ठंडी हवा है जो ना जैसे सर्दी की लहर आती है ना तो उस तरह मिट्टी है बहुत ज़्यादा। रुहरिया जो है ना दादा अप्पू के पास बैठी है और बिस्कुट खा रही है। रिया चले, रिया बिस्कुट खा रही है दादा, चले जी बिस्कुट ढूंढ रही है। रात को जो है ना हम सोए हुए थे उधर नए बेडरूम में तो अच्छा वहाँ पर पंखा नहीं है तो हमने कहा कि ऐसे सो जाते हैं। तो जब 10 का टाइम हुआ ना तो मच्छर ने काटना शुरू कर दिया तो हम जो है ना सारे भाग आए इस कमरे में। फिर इधर आके ना पंखा चलाया तो लाइट नहीं थी तो 11 बजे लाइट आई है। तो फिर उसके बाद जो है ना हमें नींद आई है। उरिया जो है ना रोती थी बहुत ज़्यादा, कहती है कि पंखे चलाओ अभी नींद नहीं आ रही। आपको पता है कूलर पंखे की आवाज़ में आए ना उरिया को नींद नहीं आती। कूलर पंखा भी चलता है, ऊपर वाला भी चलता है। हाँ तो जब तक उरिया ने कूलर पंखे की आवाज़ नहीं सुनी तो उस वक्त तक नहीं सोई। ये है क्योंकि मेरे कह रहा था मैं क्या सो लगे इसलिए पानी पी लिए जी। तो अभी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने सोफे सेट भी लेने हैं और प्लास्टिक की शीट है कमरे के लिए वो भी लेनी है और ऊपर वाले पंखे भी लेने हैं क्योंकि यहाँ तो आ जाएगी वो पेटियाँ जब ये काम होगा प्लास्टिक वाली शीट लगेगी कमरा तैयार हो गया तो यहाँ तो आ जाएगी वो पेटियाँ अंदर में। तो यहाँ जगह नहीं है सोने के लिए तो हमें पंखे तो वहाँ के लेने हैं क्योंकि वहाँ सोना है, हमारी जगह वही है सोने के लिए। तो इंशाल्लाह आपने भी दुआ कर दिया है जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं हमारा मकसद पूरा हो इंशाल्लाह। तो आगे आप आगे जाकर और बातें आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और बुला रही है रिया, रिया चलो चले रिया। और अहमद असलम तो स्कूल चले गए हैं, कहते हैं 2 बजे छुट्टी होती है ना, कहते हैं मुझे असलम कहते हैं कि 11 बजे आके ले जाना। 11 बजे मुझे आकर ले जाना है क्योंकि वो जो है ना कल नहीं गए थे उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो नजरा जुकाम हो गया था तो परसों तो वैसे छुट्टी थी तो आज मैंने कहा मैं घर नहीं रुकने लूंगी। बड़ा तो चला जाता है लेकिन छोटा जो है ना जिद करता है। रिया को काम थे रिया चेक करो पानी मीठा है कड़वा है, प्यास लगी है तो हम रुके थे, हमने सोचा शायद पानी जो है ना मीठा होगा तो पानी पी लें लेकिन पानी जो है ना बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो भुरिया का मुंह तो धो लो, सूर्या का मुंह तो धो। ये साथ में मकई की फसल है, चलें फिर आगे चल के पानी पीते हैं। अभी जो है ना हम वहाँ यहाँ पर आ गए हैं सोफ़ा सेट पसंद करने के लिए तो देखते हैं कौन सा पसंद आता है। ये सब कलर पड़े हैं, ये देखें कौन सा ये वाला, अच्छा इससे वो वाला भी है यहाँ पर फर्नीचर तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। ये सामने सिंगार शीशा क्या कहते हैं इसे, ये वाला बेड प्लान देखा है ना। हाँ ये बहुत क्या प्रिया हमने वही प्लान बनवा दिया हमसे नहीं बने जाते। प्रिया 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 कहती है ले लो। हाँ यू यू हाँ
मुझे कहती ये वाला ले लो। रिया रिया खुद को ना किस कर रही है शीशे में, ये देख ओ ये देख ओ है ये देखे किस कर रही है खुद को। रिया के मजे, रिया कहती है मुझे सोफा सेट ले कर दें। आ गए हैं होटल पे, तो हुरिया जो है ना पानी पी रही है, बहुत ज़्यादा थके हैं, तो सामान की खरीदारी तो हम कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत जो हमने सोचा होता है ना आजकल के दौर में, तो उससे डबल पैसे लग जाते हैं। तो माशाल्लाह से वैसे हम सारा सामान खरीद के आ गए हैं, और अभी जो है ना भूख लगी हुई थी, रोटी तो हमने खा के आए थे, लेकिन आपकी भाभी जान कहती है कि दही भल्ले खाने हैं। हाँ दही भल्ले खाने, तो अभी हमने ऑर्डर दिया है। उरिया क्या खाएगी? नान खाएगी उरिया। चल तो माशाल्लाह से ये देखें दही भल्ले आ गए हैं, इसमें मसाला थोड़ा कम है। आपके ज्यादा नहीं है नहीं इसमें मिसाला कम है, चेक करो ना बताओ कैसे। सही है, मैं इसे मिक्स कर लूँ अच्छी तरह, तो जिनके मुंह में पानी आ रहा है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वाह 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 चटपटे हैं। वापस हम आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, यकीन माने कि बहुत ज़्यादा जना बेगम की रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई थी, इसे मैं डॉक्टर के पास ले गया, तो उसने बीपी चेक किया इसका, तो वो कहता है कि इसका बीपी लो है, तो इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गए, उसकी वजह ये है, हालाँकि ये नमक बहुत ज़्यादा खाती है लेकिन फिर भी लो हो जाता है, थकावट की वजह से। टूट रहा है, उरिया को तो उठाना पड़ेगा। कैसे उरिया? कार को देखा तो मेरे ब्लड बिल्कुल लो हो गया। कार पसंद करके आ गई है ना? कार पसंद की क्या की है, उन्होंने जब कीमत मांगे ना, मैंने कहा बीबी लो हो गया उसके साथ। अच्छा ब्लड लो हो गया, उरिया को उठा दो। वो कहता है कि 20 लाख 16 लाख ऐसे ना, 17 लाख। तो अभी जो है ना पैसे शुरू करते हैं इकट्ठे करना। मुझे तो इतना शौक नहीं है, हसनैन को ज्यादा शौक, हसनैन को उसके बुक वगैरह शौक है। हाँ हुरिया को नहीं है, मुझे तो मोटरसाइकिल पर मजा आता है बस। हुरिया हवा भी लगती है, हुरिया ने मजे किए हैं, हुरिया वापसी भी सोती हुई आई है, और जब गए हैं तो तो जब हम गए थे तो उस वक्त सो 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 कर गई है। देखिए खा रही हो, और भूख की मुझे भूख लगी हुई थी, वापसी आ रहे थे तो मैंने कहा इसे जो है ना वो लेकर दें केले, तो एक केला लेकर दिया ना, वो आधा खा लिया, और इसके गले में भूख की वजह से गले में फंस गया, तो भूख वगैरह लगी थी, तो मैंने कहा आराम से बैठ कर इसे केले खिला लेते हैं फिर हम घर जाएंगे, तो वहाँ बैठ गए और हमने इसे दो केले खा गए, तो फिर हम घर आए। तो अभी हम आप सबसे चाहेंगे इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, इसी चैनल पे हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।